हेलो हेलो दोस्तों, आज अपनी सेकंड क्लास है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। कल हमने क्या है इस लेसन का क्या इंट्रोडक्शन किया था, आज हम आगे इसके पढ़ेंगे। आज पुष्प का कौन सा भाग पढ़ेंगे, आज मेल वाला भाग पढ़ेंगे, उमंग वाला, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। तो सभी लोग जुड़े आइए और अपने बताइए। हम थोड़ी सी आकृतियां बताते बनाते हो, आप उसके नेम बताना ये कौन सा है, क्योंकि आप पर रिवीजन भी तो होना जरूरी है। जैसे मान के लिए बताओ ये क्या बन रहा है, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, ठीक। इस प्रकार से क्या है अपना पुष्प रहता है। तो अपन को इसे क्या बोलते हैं, दलपुंज, सबको पता है। इसको क्या बोलते हैं, वाह दलपुंज। इसको क्या बोलते हैं, परागकोश। इसको क्या बोलते हैं, तंतु। इसको क्या बोलते हैं, बढ़ती काग्र। इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका, ठीक है ना। इस प्रकार सभी का हम क्या जानते हैं, वर्णन करते हैं, ठीक है। इसको क्या जानते हैं, इस ठीक क्या है बीच में, इसे क्या बोलते हैं, बीजांड। इसे क्या बोलते हैं, बीजांड, ठीक है ना। अब इतना आपको क्लियर पता है कि इतने भाग होते हैं उसके, तो आज अपन को पढ़ना क्या है इसका पराग। आपको पता है कितने भाग होते हैं उसके, ये चीज आप कल पढ़े, अपन ने कल की क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो गया था। अब इसके आगे अपन क्या पढ़ेंगे, आज इसका पढ़ना है अपन को पुंग वाला भाग, कौन सा, उमंग, ठीक ना। उमंग वाला भाग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उमंग वाले उमंग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। उमंग और पुंकेसर, इसके जो ग्रुप होता है पुंकेसर के अंतर्गत क्या आता है, तंतु और परागकोश। क्या आता है, परागकोश, ठीक है। इस पूरे को क्या बोलते हैं, लॉजिक वाला वर्ड क्या है, पुमंग, ठीक है। और इसके बाद इसी को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, दो होते हैं, तंतु होता है, एक परागकोश होता है। परागकोश से बोलते हैं इस वाले भाग को, तंतु इस एक लाठी टाइप की छोटी सी डंडी है इसे, जिसके ऊपर क्या है अपना परागकोश लगा होता है। तो आज हम परागकोश के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल से, आइए देखते हैं। इतना अपना क्लियर है, हम लोगों को इस प्रकार से बायोलॉजी पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से हमारा बोर्ड में नहीं छोड़ना। और ये टॉपिक तो कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो आप लोग तो अभी समझदार हो, ट्वेल्थ में पहुंच गए, ठीक है ना। तो कौन से भाग का वर्णन करना है अपन को, इस वाले भाग को क्या करना है अपन को, बढ़ना है। इसे क्या बोलते हैं, पराग कोश, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, तंतु, ठीक है। अब जब हम इस पराग कोश को, ये पराग कोश क्या होता है, जब इस पराग को अपन क्या है यहां से चीरेंगे या काटेंगे, इसको काटेंगे तो इसकी संरचना किस प्रकार दिखाई देती है, हम आइए अपन देखते हैं। जब क्या है चीरेंगे,
इसकी संरचना इस प्रकार दिखाई देती रहेगी। इस प्रकार से क्या इसकी संरचना दिखाई देती है, ठीक है ना। अब देखो एक जीव भाग होता है, एक के भाग होता है, एक के भाग, ठीक। अब देखो ये देखो इस वाले हिस्सा का हिस्सा ये है, ठीक है। ये दायां वाला है, ये बायां वाला है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। देखो एक शरीर ये क्या है, द्वि कोष्ठी है। कौन सा है, कितना है, द्विपाली है। एक पराग कोष किस प्रकार का है अपना, द्विपाली है। एक ये वाली पाली, एक ये दायां वाले है, ये बायां वाला है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। इसके बाद सॉरी गलत लिख गया, इसे लिखना है बायां, उसे लिखेंगे दायां, इसे बोल लेंगे बायां, इसे दायां, ठीक है। अब क्लियर, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखो एक पाली के अंदर कितने कोष्ठ होते हैं, दो। एक ये वाला कोष्ठ है, एक ये कोष्ठ है, एक कोष्ठ है। इसे इसके इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं, बीजाणु धानी। इसी के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं सी टाइप की होती हैं, ठीक है ना। इन्हें क्या बोलते हैं, बीजाणु जन। क्या बोलते हैं, बीजाणु जन, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। इसी को जब ये क्या है, जब परिपक्व हो जाएगा तो इसी को क्या बोलने लगेंगे, पराग कोष। इसी को क्या, जब ये परिपक्व हो जाएगा तो इसे बोलेंगे पराग कोष। क्या बोलने लगेंगे, पराग कोष। और जब ये बीजाणुधारी पूरे हो जाएंगे तो इसी को बोलेंगे पराग कण। क्या बोलेंगे, पराग कण। जब ये छोड़ ये आपके बीजाणुजन है, बीजाणु तक है, ये क्या है, ये परिपक्व हो जाएंगे तो इनको क्या बोलने लगेंगे, पराग कण। अभी क्या है, जब ये शिशु अवस्था है, छोटी अवस्था में, तब इन्हें क्या बोलेंगे, बीजाणु जन्म तक। इसे जो पराग कोष वाला हिस्सा है, जिसे अपन क्या है, जब परिपक्व हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, पराग कोष। अभी जब वो शिशु अवस्था है तो उसे क्या बोलते हैं, बीजाणु धानी। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, अभी क्या है, अपन लोग छोटे हैं, ठीक है, क्या अपन लोग छोटे हैं। अभी जब क्या है, अपन बड़े होंगे तो अभी तो अपन क्या बोले, किसी के बच्चे हैं अपन, ठीक है, अपने माता पिता हैं, ठीक है ना। अब उनकी संतान अपन लोग हैं, तो अभी बच्चे हैं। जब अपन क्या है, बड़े होंगे, बड़े होने के बाद शादी होगी, शादी होगी तो अपने क्या है, अपने बच्चे होंगे तो उनके क्या अपन जाए बन जाएंगे पिता, क्या बन जाएंगे, पिताजी बन जाएंगे। जिससे क्या है, अपने जीवन की अपने है तो अपने, पहले अपन को बच्चा कहा जा रहा था, अब यहाँ क्या है, पापा कहा, डैडी बोलने लगे, ठीक है। इसी प्रकार जो है, इन पराग इस पूरे जो चक्र दिखाई दे रहा है, इसे अभी क्या बोलते हैं, बीजाणु धानी बोलते हैं। और जब ये क्या है, जब परिपक्व हो जाएगा तो इसे क्या बोलने लगे, पराग कोष। क्या बोलेंगे, पराग कोष। और जब ये शिशु अवस्था है, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, बीजाणु जन्म तक। और जब ये क्या है, परिपक्व हो जाएंगे तो इसे बोलेंगे पराग कण। इतना ना, इसे क्या बोलते हैं, कोष्ठ। क्या बोलते हैं, कोष्ठ। ये एक कोष्ठ है, ये दो कोष्ठ है, ये तीन कोष्ठ। तो ये इस पराग कण वाली संरचना, पराग कोष वाली संरचना, कितने कोष्ठ होते हैं, चार कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, चार कोष्ठ होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। एक पाली के अंदर कितने कोष्ठ होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सके होंगे क्या है, स्थिति जैसे जैसे परिवर्तित होती है वैसे वैसे क्या है, उसके नाम भी चेंज होते चले जाते हैं। आप इतना क्लियर हो गए। जैसे एक यहां से देख लीजिए आप, जैसे मान के चलो ये शिशु अवस्था हुई, ठीक है, ये हुई परिपक्व। परिपक्व अवस्था है, ठीक है, ठीक है। इसे अभी क्या बोल रहे हैं, जब छोटी अवस्था है, बीजाणु धानी, ठीक है ना। फिर जब ये परिपक्व हो जाएगा,
बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसकी संतान होगी तो जब क्या होगी, इसे बोलेंगे परागपुष। क्या बोलेंगे? परागपुष, ठीक है। जब इसकी क्या है जनन होगा तो क्या बनेंगे? बीजाणु, बीजाणु जन ऊतक, ठीक है। जब ये क्या है परिपक्व होंगी, परिपक्व अवस्था में आएगी, परिपक्व अवस्था में तुम्हें क्या बोलेंगे? पराग कण। क्या बोलेंगे? पराग कण। आपके स्ट्रक्चर बल में आ रहा है उसमें देखते जाइए, आपको हर चीज क्लियर समझ में आती चली आएगी, ठीक है। आइए अब इसको और थोड़ी विस्तार से वर्णन करेंगे, ठीक है। आगे देखो, जब इसे हमने क्या है चीरा तो किस प्रकार की आकृति बनी, अभी आपने देखी होगी, फिर से एक बार और बनाते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बीच में क्या होता है? पोस्ट होता है, तीसरा पोस्ट, चौथा पोस्ट, ठीक है। ये कितने हो गए? पोस्ट। अब पोस्ट के एक बाहर एक लेयर होती है, ठीक है ना, एक लेयर होती है, ठीक है। लेयर का नाम क्या है? इसे बोल सकते हैं आंतरिक, आंतरिक परत, ठीक है। जिसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? टेपिटम। क्या होता है? टेपिटम। इसका वास्तविक नाम क्या होता है? टेपिटम। इसके जस्ट एक और परत होती है, ठीक है ना, एक और परत होती है, आप लोग स्ट्रक्चर बनाते जाइए साथ में तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें ही बना लेना आप लोग। तो इसको क्या बोलते हैं? मध्य परत। क्या बोलते हैं? मध्य परत। इसके और आगे बढ़ेंगे, एक और परत बनेगी, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो लास्ट में बाहर बनी है, इसको बोलते हैं अंतस्तुचा। क्या बोलते हैं? अंतस्तुचा। इसे देखो, अंतस्तुचा। क्या बोलते हैं? अंतस्तुचा, ठीक है। इसके जस्ट एक और परत होती है, इसे हम और बताएंगे लास्ट में, एक और लास्ट परत है, ठीक है, ये परत है। तो इससे क्या है, इस लास्ट बाहरी वाली परत को क्या बोलते हैं? वाह परत। क्या बोलते हैं? वाह त्वचा भी बोल सकते हैं, वाह त्वचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाह त्वचा। तो इसकी कितनी त्वचाएं होती? सबसे अंदर की पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कितनी परतें होती? चार परतें, ठीक है। ये चार परतें क्या है, जिसमें चार परतों में से तीन परतें जो अंदर की बाहर की ओर है, वे क्या करती हैं? इसकी रक्षा करती हैं। क्या करती हैं? रक्षा करती हैं।
और जब रक्षा होनी है, जब ये क्या बढ़ते हैं, जब परिपक्व हो जाते हैं, इस अंदर क्या है, छोटे छोटे क्या है, बीजाणु है, क्या है, बीजाणु जनुकता के, ठीक है, इसके अंदर क्या है, बीजाणु जनुकता के, ठीक है, ये क्या है, बीजाणु जनन ऊतक है, ठीक है ना, इतना क्लियर पता चल गया, इसको और बना देंगे साथ में तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, इससे क्या है स्ट्रक्चर अच्छे से लगेगा आपका। ठीक, तो ये अपना क्या है, पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब देखिए इस प्रकार यहाँ पर भी इसी प्रकार की संरचना पाई जाती है, ठीक है ना, यहाँ से बीच में कोई दिक्कत नहीं, पूरा जुड़ा होता है। जब क्या होता है, ये बाहरी कौन कौन सी, अंतस्थ त्वचा है, वाह त्वचा है और मध्य परत है, क्या है, मध्य परत है, ये परत क्या है, इस ये अंदर जो अपना मटेरियल पराक्रम भरे हुए हैं, ये पराक्रम को क्या करती है, रक्षा करती है। जब क्या है, बीजाणु जन ऊतक से क्या बोले बन जाएंगे, ये पराकण बन जाएंगे, तो ये पराकण क्या है, बाहर आते हैं, क्या करते हैं, बाहर आते हैं, यहाँ से क्या निकलेंगे, बाहर, क्या निकलेंगे, बाहर, यहाँ से क्या है, बाहर निकल जाते हैं। जब यहाँ से क्या है, ये तो चाहे जब परिपक्व हो जाती है, ये अपनी पूर्णावस्था में पहुंच जाते हैं, ये पक जाते हैं, तो ये क्या है, यहाँ से त्वचा सिकुड़ कर टूट जाती है, इससे क्या है, पराकण यहाँ से बाहर निकल जाए। अब ये है आंतरिक परत है, जो आंतरिक परत है, जो सटी हुई है कहां से, बीजाणु दानी से, क्या है ये, से क्या है जी, ये क्या है, बीजाणु दानी है, बीजाणु दानी से जो सटी हुई परत है, जिसे बोलते हैं टेपिटम, ये टेपिटम क्या करती है, जो अपने जो पराकण है, जो बीजाणु जन ऊतक है, इन्हें क्या करती है, पोषण देने का कार्य करती है, क्या है, जब तक जैसे इनका निर्माण हो रहा है, इसे कोई ना कोई तो भोजन देने वाला हो, तो इनका क्या करती है, पोषण, ठीक है, ऊर्जा देती है, जिससे क्या है, इनका अच्छे से निर्माण हो पाता है, क्या है, अच्छे से निर्माण, तो इन्हें क्या देती है, ठीक है, इन्हें क्या देते हैं, पोषण देते, कौन सी देते हैं, टेपिटम का काम क्या होता है, ये क्या है, बहुत ज्यादा केंद्रीय होती है, इसकी बहुत ज्यादा संख्या होती है, ठीक है, ये बहुत है, इसमें कई प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, और क्या क्या, तो इसमें क्या है, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जिससे क्या है, इसे क्या है, पराक्रमों को अच्छे से पोषण दे पाते, तो इतना आपको क्लियर होगा इस सब इतना। अभी इसके आगे अपन क्या पढ़ेंगे, अभी तो ये क्या है, जी क्या है, ये अंदर क्या है, बीजाणु जन ऊतक है। अब बीजाणु जन ऊतक से कैसे पराक्रम बनेंगे, उसे पढ़ेंगे। जे बीजाणु धानी से पराकोष कैसे बनेगा, उसको पढ़ेंगे। अभी क्या है, ये शिशु अवस्था में, जब ये क्या है, परिपक्व हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा तो ये क्या किस में बदल जाएगा, इसी का नाम क्या हो जाए, अभी जैसे मान लीजिए ये शिशु अवस्था में, अब ये क्या है, डैडी बनेगा, डैडी बनेगा तो इसका नाम चेंज नहीं हो जाए, अभी ये पुत्र है, जब पुत्र से क्या बन जाएगा, डैडी में शादी हो जाएगी, इसी प्रकार अभी क्या है, इसका बीजाणु जन ऊतक है, इसके अंदर वाले भागों का, ठीक है, इसके बाहरी जो त्वचा है, इसे क्या है, बीजाणु धानी बोलते हैं, पुष्ट होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, और कितने पाली में है, दो पाली, एक पाली के अंदर कितने कोष्ठ है, दो कोष्ठ, ठीक है ना, इस प्रकार से अपन लोग इसके बारे में संपूर्ण जानेंगे, कल इसका रिवीजन भी करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास में मजा आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों तक शेयर भी करें, और जल्दी जल्दी ऑफलाइन आने की भी कोशिश करें, ठीक है ना, थैंक यू दोस्तों।